हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका शेखावत। तो टाइटल से समझ गए होंगे कि आज की वीडियो है बाकी वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट। आज मैं बताऊंगी आपको हेयर स्टाइल, नॉर्मल ब्रेड हेयर स्टाइल है, आप किसी भी चीज़ के साथ वेयर कर सकते हो। इंडियन आउटफिट है, वेस्टर्न आउटफिट पे भी चल जाता है, काफ़ी अच्छी लगती है। तो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा मोटिवेट करिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और लेके आती रहूँ। तो बहुत लेट नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं हम अपनी ब्रीडिंग की तरफ। तो हम मोस्टली बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने इंडियन आउटफिट के साथ में कैसी हेयर स्टाइल करें, क्या करें जो सूट कर जाए मोस्टली। तो मैं जो हेयर स्टाइल आपको बताने वाली हूँ बहुत इजी है, मतलब कोई भी अपने आप से कर सकता है। मैं पहले अपने हेयर्स को डिटेंगल करूँगी। मैं ये वुडन कॉम्ब यूज़ करी, मैंने नायका से परचेज़ किया था। मैंने उसमें मतलब रिव्यूज़ में पढ़ा था मैंने कि वुडन कॉम्ब यूज़ करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, हेयर फॉल भी बहुत हद तक कंट्रोल होती है। तो यस, इट रियली वर्क। मेरी हेयर फॉल पहले टाइम पे बहुत हो रही थी, अभी तो गर्मी में पसीने की वजह से हल्की फुल्की हो जा रही है। नीचे के हेयर्स देखें आप लोग, मुझे कटिंग करानी है लेकिन यहाँ पर अभी पास में कोई सलून्स नहीं खुल रहे हैं। आप लोग बताइएगा मुझे, क्या मतलब आप लोगों की तरफ में सलून्स वगैरह ओपन हो गए हैं? सबसे पहले क्या करना है आपको, अपनी जिस तरफ भी मांग करते हैं उसके अपोजिट साइड में, मैं इधर अपने राइट हैंड साइड में ऐसे मांग निकालूंगी, इधर मेरे हेयर्स थोड़े से कम हैं तो ऐसे निकालते हैं। ये देखिए, पार्टीशन कर लेंगे हम लोग ऐसे। नेक्स्ट मैं तो सिंपल रखती हूँ, आप लोग चाहें तो आगे से यहाँ से भी ब्रेड बना सकते हैं। इसकी मैं दूसरी वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, अभी मैं सिर्फ ब्रेड बता रही हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, अपने ये हेयर्स आगे के लूँगी, हल्का सा पफ बनाऊँगी, इनका रोटेट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा बाउंसी लगे। जबकि हेयर्स में भी हम लोग हल्के से हेयर्स लेंगे, टाइट पार्टीशन करेंगे थोड़ा सा, देखें स्ट्रेट लाइन हो जाए। ये बालों को हम लोग टर्न कर लेंगे, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, ये पीछे यहाँ पे टिक टैक से हम लोग इसको सिक्योर कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, ये जितने भी हेयर्स हैं जिस भी तरफ आपको इधर रखना तो इधर, इधर रखना तो इस साइड में, मैं इधर लेफ्ट साइड में अपनी ब्रेड रखना चाह रही हूँ। ये सारे हेयर्स हम एक तरफ लेके आ गए हैं, बहुत सिंपल हेयर स्टाइल है, बहुत क्विक है। कोई भी शादी पार्टी फंक्शन में आप जा रहे हैं, बस 5 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाएगी। उसको जितने भी हेयर्स आपने लिए हैं दो पोर्शन में, नॉर्मल जो ब्रेड हम लोग करते हैं उसको 3 पार्ट करते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ 2 पार्ट करेंगे। फिर इधर नीचे से ऊपर वाले हेयर अंदर करना, इधर नीचे से थोड़ा सा बाल लेंगे इस पार्टीशन में, इधर की तरफ इस वाले की तरफ उसको मिला देंगे, सिक्योर कर लेंगे टाइटली हल्का सा। सेम हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, इधर से पीछे से बाल लेके इधर वाली ब्रेड में मिलाना है। ध्यान रहे सिर्फ 2 ही ब्रेड है, हमने 3 ब्रेड ले ली है। जी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, इधर का उधर मिक्स करना है, उधर का इधर। जितनी पतली लेयर्स आप लेंगे बाल का उतनी प्यारी ब्रेड बनेगी आपकी। मैं थोड़ा यहाँ मोटा लेके आपको बता रही हूँ ताकि इजीली आपको थोड़ी समझ में आ जाए, देख पा रहे हैं आप। एक्चुअली मेरी कटिंग हो रखी है हेयर की, तो उस वजह से ये थोड़ा बाउंसी सा लग रहा है, उसको मैं अभी सिक्योर कर लूँगी। बहुत प्यारी सी ब्रेड है ये, देखिए आपको बहुत ब्यूटीफुल लगती है ये। नॉर्मल आप देखेंगे बस 2, अगर आप हैबिचुअल नहीं है इसके तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा भी 10 मिनट्स में हो जाएगी आपकी। अगर आप यूज टू हैं, देखिए मेरी फिंगर्स तुरंत फटाफट चल रही हैं, इसमें मुझे आती है ये वाली ब्रेड करनी, तो मेरी ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट्स में हो
पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये देखो बहुत नीचे का नहीं रखेंगे, नीचे का छोड़ देंगे, इधर मैं रबर बैंड से सिक्योर कर लूँगी इसको। जितना ज़्यादा आप नीचे का छोड़ेंगे, मैंने थोड़ा यहाँ तक छोड़ा है, थोड़ा ऊपर से छोड़ेंगे तो आपकी और ब्यूटीफुल लगेगी। बाकी जो हेयर्स इधर उठे वाले हैं हल्की सी फ्लिक्स निकालेंगे हम लोग। आप चाहें तो यहाँ के हेयर्स निकाल के रोलर से ऐसे ऐसे करके रोल भी कर सकते हैं, तो उसका लुक बहुत प्यारा आता है। इतना तो नहीं हो रहा है, इधर से अगर आप रोल कर लेंगे हल्का सा फ्लिक्स निकाल के। गीले बाल होते हैं ऐसे करो तुरंत से रोल हो जाते हैं। मैं थोड़ा क्लोजअप दिखाती हूँ आपको, हमारी ब्रेड बन के तैयार हो चुकी है। पीछे थोड़ा मैसी सा है, प्लीज उसे इग्नोर करिएगा। ये देखिए आप यहाँ पे ना वो जो आर्टिफिशियल पिंस वगैरह आती हैं वो भी आप इसके बीच बीच में यहाँ यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। मतलब जिस भी कलर का आपका गाउन हो, लहंगा हो या फिर कुर्ती हो, जैसे मैंने येलो पहना है, या मल्टी कलर बीड्स आती हैं वो भी बहुत सुंदर लगती हैं। आप हर लेयर्स के यहाँ पे ऐसे बीच बीच में लगा देंगे, बहुत प्यारा सा सा बन जाता है। ये देखिए हमारी पोनी तैयार हो चुकी है। कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आया हो, मेरा वे ऑफ टॉकिंग आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करिए। एटलीस्ट मुझे पता तो चले, नया नया चैनल है अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट चूज़ करके आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये हेयर स्टाइल कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आएगी तो मैं और ढेर सारी, मतलब इजी टू वो है, अगर आप नॉर्मल मार्केट भी जा रहे हैं आपको बहुत मैसी सा नहीं चाहिए। कभी कभी होता है कि बन बना के हम लोग बहुत बोर हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा चाहिए होता है कि मतलब हमारे हेयर सिक्योर भी रहें और बहुत ज़्यादा ग्लीचिंग भी ना हो हेयर्स की वजह से। गर्मी में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जब तक ए सी में है तब तक तो ठीक है, वरना बहुत दिक्कत करता है। ये देखिए हमारी यहाँ पर ये पूरी पूरी सिक्योर हो चुकी है, कहीं से भी कोई भी हेयर्स लेफ्ट आउट नहीं है। अगर हल्की फुल्की कटिंग है तो आप वो टिक टाक लगा के या फिर कोई भी पिन लगा के आप इसको सिक्योर कर सकते हैं, इजी टू वेयर है। चलिए मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल दैट बी हैप्पी, टेक केयर एंड ब्लेस मी एज वेल एज माई न्यू यूट्यूब चैनल। सो बाय बाय।